नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा जी हमारे साथ है। विजय कुमार सिन्हा जी, आप आए थे यहाँ पे हॉस्पिटल का उद्घाटन करने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जो है वो बदहाल होता जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले की मनमानी जो है वो लगातार देखी जा रही है, क्या कहेंगे किस तरह का जो है बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था है? आप तो एक स्पीकर है, जिम्मेदार हैं। हमें जो कहना रहता है वो सदन में कहते हैं, पब्लिक के बीच में विभाग के मंत्री और लोग कहेंगे। ऐसे हमारी नज़र में हमारे सदन में 100% प्रश्नों का जवाब आया है। ये सारे जवाब का सरकार ने ये प्रश्नों का जवाब दिया है। इसलिए सर, कोरोना काल के दूसरी लड़ में ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी। सरकार सजगता के साथ काम कर रही है और गलत लोग बख्शे नहीं जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई थी मंगल पांडे जी? अच्छा, ये सब पॉलिटिकल बात है और ये बात नहीं होनी चाहिए। विजय कुमार सिन्हा जी थे हमारे साथ विधानसभा स्पीकर। आज जिस कोरोना महामारी के कारण जिस तरह का दहशत और जिस तरह से मृत्यु की गोद में हमारे बीच के लोग गए हैं, स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता में है और स्वास्थ्य के लिए सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, सभी को कदम बढ़ाना है। और आज यहाँ के हमारे नौजवान डॉक्टर सारे लोगों ने जिस तरह से कदम उठा रहे हैं और पटना पूर्वांचल के ईस्टर्न जोन के सबसे बड़ा मेडिकल हब के रूप में डेवलप कर रहा है, हमारी शुभकामना है। और मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल पटना को आवश्यक है और इसके लिए इन लोगों के द्वारा जो कदम उठाया गया ये सराहनीय कदम है और हमारी शुभकामना है सरकार की ओर से। इससे लोगों को भी अच्छे कार्य करने के लिए जनहित में, पब्लिक के हित में इकोनॉमिकल हॉस्पिटल की ज़रूरत है और उस ओर इस एक अच्छा कदम बढ़ाएगा, यही हमारी शुभकामना। धन्यवाद। देखिए, सदन के अंदर में आपका प्रश्न आता तो सरकार वहाँ जवाब देती और हम सरकार की जनता के हितों के ध्यान में रखकर जनप्रतिनिधियों के जवाब को सरकार से दिलवाते हैं। लेकिन एक जानकारी दे दें कि ये पहली बार बिहार के अंदर है और इतिहास बिहार ने रचा है कि आज सदन सभी दिन चला और 100% प्रश्नों का जवाब आया है और उसमें आपका भी जवाब था। सरकार सब प्रश्नों का जवाब दिया है। हर कार्य में जो गलत करने वाले लोग हैं वो बख्शे नहीं जा रहे हैं और जो अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं उसे हतोत्साहित किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। डॉक्टर अपने ज़िंदगी को दाव पर लगाकर 115 से ज़्यादा डॉक्टर अपना कुर्बानी और बलिदान दिया, इसलिए उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और ऐसे डॉक्टर के मनोबल को, उनके परिवार के मनोबल को एक योद्धा के रूप में हम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो और काफ़ी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। देखिए, बढ़ती आबादी हम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है और इस समस्या के लिए जितना सजगता से सरकार कदम उठा रही है, निजी क्षेत्र के हमारे जो नौजवान डॉक्टर उत्साहित लोग, बिहार का आज पहली बार बिहार इस क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ रहा है। दूसरे स्टेट के लोग बिहार में और खासकर पटना में आ रहे हैं और जितना इकोनॉमिकल मेडिकल जांच हो रही है या इलाज हो रहा है ये शुभ संकेत है। और जो गलत करेंगे वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होंगे, न चल पाएंगे। अच्छे कार्य करने वाले, मेडिकल लाइन में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है और जिनका विश्वास पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में बढ़ेगा वो सबसे सफलता से आगे बढ़ेंगे।